फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों दोस्तों मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पर, तो ये कहता है कि यू जो है ना एक्स माइनस वन की पावर थ्री माइनस के थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, और आपको जो डिटरमाइन करना है वो वी करना है। और आगे कह रहा है कि यू प्लस आई वी जो फंक्शन है हमारा, यू प्लस आई वी जो बनेगा वो रेगुलर फंक्शन होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर, रेगुलर अगर फंक्शन होता है तभी आप यू से वी को निकाल सकते हैं, ठीक है, या v से u को निकाल सकते हैं, क्योंकि रेगुलर फंक्शन जब बन जाते हैं तो u और v एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाते हैं, यानी कि u से v को और v से u को निकालना आसान हो जाता है। आओ मैं चलता हूँ उसको किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो मैं गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ, ताकि मैं कुछ आपको और बता देता हूँ उसके बारे में, ताकि हम लोग जब इसको सॉल्व करें तो हम लोग को समझ में आ जाए कि हमें आखिर करना क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो, सिंस यू प्लस आई वी इज रेगुलर फंक्शन है, अब जब यू प्लस आई वी रेगुलर फंक्शन हो जाते हैं दोस्तों, तो यू एंड वी दोनों को दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाते हैं। अब कॉन्जुगेट हो जाने से हमें क्या फायदा होगा, है ना? मेन पॉइंट तो ये है दोस्तों, कॉन्जुगेट हो जाने से ये फंक्शन हमारे इस तरीके से हो जाते हैं। देखो वी का एक फॉर्मूला मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों अब मेन बात यहाँ पर से ये आती है, देखिए अब साफ साफ दिख रहा है v का x साथ पार्शियल डिफरेंशियल करो, लेकिन दोस्तों हमारे पास v नहीं है। अब क्यों हम v से v का कैसे कर सकते हैं x के साथ पार्शियल, और जब हमारे पास v है ही नहीं तो y का कैसे कर सकते हैं? तो फाइनली यही चीज़ हमारे सामने आती है दोस्तों, जब रेगुलर फंक्शन होता है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर लेता है वो, यानी कि आप जो हैं ये वाली जो वैल्यू है डेल वी अपॉन डेल एक्स को डेल यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, है ना? यानी कि ये वैल्यू आपकी विद नेगेटिव साइन के साथ आती है, और दोस्तों डेल वी अपॉन डेल वाई जो है वो भी आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स आती है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो डी वी है माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा और डी एक्स, और प्लस के डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा डी वाई के साथ। अब हमें करना है क्या, यू का वाई के साथ और यू का एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर पुट करना है, और हमें बाद में इंटीग्रेशन करना है। बस इतना सा काम है हमारा। चलो आओ शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करा कि यू को जो दे रखा था वो पेन नोट कर लिया। अच्छा जब हमें यू मिल जाएगा दोस्तों तो क्यों ना हम इजिली उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। अब यू का एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है, यू के साथ डिफरेंशिएट करेंगे वाई हमारा कॉन्स्टेंट होगा, थ्री वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यू को करेंगे हम लोग वाई के साथ, अब इजिली हम वाई के साथ करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट है जीरो, ये पावर आ जाएगी माइनस का सिक्स एक्स वाई हो जाएगा, है ना? और ये वैल्यू जो हो जाएगी माइनस के सॉरी 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 ये वैल्यू जो है प्लस है, ये प्लस वैल्यू है, तो यहाँ पर प्लस का आपका कितना हो जाएगा सिक्स वाई हो जाएगा। बस अब इक्वेशन फर्स्ट में हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, है ना? और जैसे ही फर्स्ट के दोस्तों हम अंदर आएंगे, फर्स्ट के अंदर आने के बाद हमें मिलेगा माइनस का डी यू अपॉन डी वाई। अब ये माइनस में है तो क्यों ना माइनस के अंदर एंट्री करा दी जाए, कहाँ गया डेल वी, ये रहा, माइनस में अंदर एंट्री कराएंगे दोस्तों तो ये वैल्यू हमारी प्लस की हो जाएगी, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है वो इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि सिक्स एक्स वाई हो जाएगा माइनस के सिक्स वाई और डी एक्स हो जाएगा। ओके ऐसी दोस्तों सेम टू सेम ऐसी कंडीशन आ जाएगी, थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के थ्री वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और डी वाई बन जाएगा पक्का। अभी दोस्तों अब यहाँ पर जो है ना हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, अब हम जानते हैं कि ये जो फॉर्म है दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी तरह ही लग रही है। तो यहाँ पर हम एम जो है डी एक्स का कोफिशियंट, यानी कि पूरा कंप्लीटली ये ले लेंगे, यानी कि सिक्स एक्स वाई माइनस के सिक्स वाई ले लेंगे, और जो एन है दोस्तों वो ले लेंगे हम ये पूरा कंप्लीटली, तो आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का थ्री। इसके बाद हम एम के साथ, क्योंकि एम आया है डी एक्स के साथ तो हमने डिफरेंशिएट करना है वाई के साथ, तो सिक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ वाई के साथ करेंगे तो अब एन का करना है मेरे को एक्स के साथ तो करिए, तो पावर जब आगे आ जाएगी तो सिक्स बन जाएगा यहाँ, और यहाँ तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमारे पास एक्स के साथ करना है ना हमें, तो अभी से थोड़ा सोल्व करने के बाद हम लोग को ये मिलने वाला है। अब दोस्तों देखो थोड़ा ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों पार्शियल डेरिवेटिव मेरे इक्वल आ गए हैं, और जब जब ऐसा होता है दोस्तों
जब जब ऐसा होता है तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट है, बस मुझे क्या करना है इसमें, अब इंटीग्रेशन करना है। मगर दोस्तों इंटीग्रेशन में भी एक लोचा है, इंटीग्रेशन में भी एक लोचा है। देखिए आइए किस तरीके से मैंने इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का, तो ये तो वी बन जाएगा और ये कंडीशन हमारे वैसी आ जाएगी, ठीक है। और यहां पर भी कंडीशन हमारी क्या होगी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही नोट कर दीजिए। अब देखिए यहां से क्या करना है, सबसे पहले बताऊं मैं आपको एक दोस्तों कि यहां पर जो इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स के साथ, तो यहां पर क्या होता है कि हमारा वाई कॉन्स्टेंट होता है, बस ये रूल है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अपॉन टू हो जाएगा वाई, और यहाँ सिक्स एक्स वाई हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर जो कंडीशन आती है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि यहाँ पर वाई का टर्म ही रहना है, यानी कि एक्स के टर्म नहीं आने हैं। तो जितने भी एक्स के टर्म यहाँ से आएंगे वो सारे के सारे आप जीरो कर दीजिए, तो आपके पास ओनली बचेगा यहाँ से वन, और थ्री मल्टीप्लाई में है तो यानी कि थ्री बचा ओनली यहाँ से, और थ्री वाई स्क्वायर आपके पास यहाँ आ गया, बस हो गया आपका। इसे इंटीग्रेशन कर लीजिए और आपका आंसर, फाइनल आंसर निकल कर सामने आपके आ गया। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरे लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।